अगर आप अपने दिमाग को एक खास तरह से रखते हैं तो आपके पास जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी। 3 दिनों के अंदर हम आपको एक सरल सा ध्यान सिखा सकते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को लगभग 24% कम कर देगा। अगर आप यहां बैठते हैं, आपको शरीर का कोई एहसास नहीं है, यही वो स्थिति है जिसमें योगी बैठते हैं। सदगुरु, हमने ऐसे कई लोगों की कहानियां सुनी हैं जो ध्यान की गहन स्थिति में जाते हैं और कई महीनों तक भूख और प्यास जैसी बुनियादी इंसानी जरूरतों को भुला देते हैं। पर विज्ञान कहता है कि कोई व्यक्ति पानी ना पीने पर 10 दिन के अंदर मर सकता है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म की ऐसी स्थिति कैसे हासिल की जाती है? इसके लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा मोड़ना होगा, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं लिखा है। परसों की ही बात है, किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा योग केंद्र से। वहां ध्यानलिंग नाम का एक स्थान है, ऐसा अक्सर होता है, मगर ऐसा एक विदेशी नागरिक के साथ हुआ इसलिए मेरे पास मैसेज आया। उन्हें थोड़ी चिंता थी, तो वो महिला सुबह 7 बजे जाकर ध्यानलिंग में बैठ गई, क्योंकि हर किसी को वहां बैठने के लिए सिर्फ 15 मिनट का स्लॉट मिलता है लोगों की संख्या के कारण। वो सुबह 7 बजे वहां बैठी, वो दोपहर 3 बजे तक हिली भी नहीं। कितने घंटे हो गए? 3 और 5, 8 घंटे। वो वहां बिल्कुल स्थिर बैठी रही। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो उतनी देर से बैठी हुई हैं। उन्होंने सोचा था कि वो 15 मिनट के स्लॉट के लिए बैठने जा रही हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, सदगुरु वो इस तरह से बिल्कुल स्थिर बैठी हैं, क्या हम उन्हें डिस्टर्ब करें? मैंने कहा उन्हें रहने दीजिए, कोई बात नहीं। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैं बैठा काफी अरसे पहले, उस समय मेरे लिए भी ये नया था। मैंने सोचा कि मैं वहां 25-30 मिनट के लिए बैठा था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक बड़ी भीड़ मौजूद थी। मेरे गले पर मालाएं लटक रही थीं। वो सभी मेरे पैर खींचने की कोशिश कर रहे थे। भारत है। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, कोई अपने बिजनेस के बारे में पूछना चाहता है, कोई जानना चाहता है कि उनकी बेटी की शादी कब होगी, हर तरह की चीजें। फिर मैंने कहा, तुम सभी मूर्ख कहां से आ गए? उन्होंने कहा, आप यहां 13 दिनों से बैठे हुए हैं और तो सिस्टम में क्या होता है, आप यही पूछ रहे हैं। देखिए, अभी मैं बोल रहा हूं, अगर आप मेरी नब्ज देखें, ये अभी 55-58 के आसपास है। अगर मैं बस चुपचाप बैठ जाऊं, ये गिरकर 40 के नीचे चली जाएगी। अगर मैं बस यूं ही बैठ जाऊं और कुछ ऐसा करूं जिसमें कोई बातचीत या हिलना डुलना ना हो, अगर मैं बस यूं ही बैठूं तो ये 40 के नीचे चली जाएगी। अब ये आराम में है, ये अंदर कोई गैर जरूरी टकराव पैदा नहीं करेगा। तो ये जिस मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है वो बहुत कम है। आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता है कि शरीर में ऊर्जा की 20% खपत हमारे दिमाग में होती है। हालांकि ये अधिक से अधिक 1.5 किलो का है। तो शरीर का इतना हिस्सा 20% ऊर्जा की खपत कर रहा है, शरीर का इतना हिस्सा सिर्फ 80% की खपत कर रहा है। अगर आप वजन में इसकी और इसकी तुलना करें तो यह 50 गुना अधिक या उससे भी ज्यादा है। तो आपको समझना होगा कि अगर आप अपने दिमाग को एक खास तरह से रखते हैं तो आपके पास जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी खपत ऊर्जा की गैर जरूरी बर्बादी नहीं हो रही है। ये बात हर सिस्टम के लिए सच है, चाहे वो एक कार हो, एक मशीन हो या कुछ भी हो। वो जितने कम घर्षण से चल रही है, ऊर्जा की खपत उतनी ही कम हो जाएगी, है ना? कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा घर्षण से चल रही है वो भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करेगी। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ऊर्जा के लिहाज से अगर आप अपने सिस्टम को घर्षण से मुक्त करते हैं तो मेटाबॉलिज्म गिर जाएगा और आप बहुत कुशलता से काम करेंगे, क्योंकि जब आप उसे बढ़ाना चाहेंगे तो आपके पास उसे बढ़ाने के लिए एक पूरी रेंज होगी।
जब आप उसे घटाना चाहेंगे तो घटा सकते हैं। फिलहाल ज्यादातर लोगों की जो रेंज है वो बहुत ही छोटी है। अगर आप उन्हें काम में भिड़ा दें तो वो पूरी तरह से थक जाएंगे। अगर उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वो पगला जाएंगे। अगर आपके पास करने के लिए कुछ ना हो तो आप पगला जाते हैं, है ना? तो इस स्थिति में ये कम नहीं होगा। अब हर वो चीज जिसकी आप खपत कर रहे हैं वो ज्यादा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ज्यादा आरपीएम पर हैं। बस हम 3 दिनों के अंदर हम आपको एक सरल सा ध्यान सिखा सकते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को लगभग 24% कम कर सकता है। ये सबसे अधिक गिरावट है जो आप ध्यान की सचेतन अवस्था में हासिल कर सकते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म उससे भी कम होता है तो आपको शरीर का कोई एहसास नहीं रहेगा। अगर आप यहां बैठते हैं, आपको शरीर का कोई एहसास नहीं है। यही वो स्थिति है जिसमें योगी बैठते हैं। देखिए, अगर आप यहां बैठते हैं, चाहे आपके पास घड़ी ना हो, लेकिन आपके पैर, आपकी कमर, आपके कूल्हे, हर चीज समय का हिसाब रख रही है ना? हेलो, आपको घड़ी की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां 3 घंटे के लिए बैठते हैं तो आपको पता है कि अब आपको उठना होगा, शरीर जानता है। तो कोई कई घंटों या दिनों तक बैठा है क्योंकि शरीर का कोई एहसास ही नहीं है। शरीर का कोई एहसास नहीं है, न सिर्फ मेटाबॉलिज्म के कम होने के कारण, बल्कि इसका कारण आपकी ऊर्जा की तीव्रता भी है जो जैविक ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा का एक दूसरा आयाम पूरी तरह से तीव्र है। जब यह पूरे शरीर में फैल जाती है, आपको शरीर का कोई एहसास नहीं होता। अगर मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ 10 या 12 घंटे, मैं अकेला आदमी हूँ जो लगातार पानी पी रहा है, लेकिन सिर्फ मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो बाथरूम नहीं जाएगा, सिर्फ मैं ही ब्रेक नहीं लूंगा। हर कोई हर 2 घंटों में ब्रेक लेता है और वो वापस आते हैं, सिर्फ इसलिए। आपकी अपनी शारीरिक प्रक्रिया से कितनी शुरुआत में ये चीजें उसी से तय होती हैं। लेकिन साधना भी है, आपके सिस्टम के साथ कुछ काम भी करना होता है। तो शायद हर कोई उस स्तर की साधना करने को तैयार ना हो, मगर हर किसी को कोई ना कोई साधना करनी ही चाहिए, कुछ ना कुछ, ताकि आप जो करना चाहते हैं आप उसे कुशलता से कर सकें। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं आपको उसे उतने अच्छे से करने के काबिल होना चाहिए जितना आपके लिए संभव हो। आप क्या करते हैं वो मेरी चिंता नहीं है, मगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको उसे अच्छे से करना चाहिए, है ना? हेलो, आपको उसे अच्छे से करना चाहिए। ये एक इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसे अच्छे से करें। तो इसके लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि आपका अपना शरीर और आपका अपना मन एक रुकावट ना हो। आपका अपना शरीर और आपका अपना मन हर समय आपको गिराते ना रहें। उन्हें वो मंच होना चाहिए जिस पर आप खड़े होते हैं। अभी लोग उसके अंदर धंस गए हैं। देखिए, ये एक मंच है, ये अच्छा है। मान लीजिए ये आपको खुद में धंसा लेता है, फिर ये बैठकर बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। इसने हमें ऊपर थामे रखा है, ये अच्छा है। आपके शरीर, आपके मन को हर समय आपको ऊपर थामे रखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बाहरी चीजों पर आपकी निर्भरता कम हो जाएगी। और साथ ही पानी का सेवन हमेशा मुंह से नहीं किया जाता, शरीर कई तरीकों से पानी का सेवन करता है। अगर आप सिस्टम को एक खास तरह से सक्रिय करते हैं तो ये ऊर्जा का सेवन करता है। देखिए, अभी आपका खाना खाना, पानी पीना, सांस लेना, ये सब किस लिए है? ऊर्जा पैदा करने के लिए। मगर विज्ञान आपको साफ साफ साबित कर चुका है कि हर कहीं पर्याप्त ऊर्जा मौजूद है। तो अगर आप ऊर्जा को ऐसे ही अंदर ले पाते हैं, अगर आप ऊर्जा को आत्मसात कर पाते हैं, ऐसा कैसे संभव है? योग शब्द का यही अर्थ है। योग शब्द का अर्थ है कि आप अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की सीमाओं को मिटाना शुरू कर रहे हैं। अभी ये मैं हूं, वो आप हैं, ये 100% स्पष्ट है ना? क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि ये शरीर मैं हूं, वो शरीर आप हैं। ये एक स्पष्ट सीमा है, मेरे शरीर और आपके शरीर की एक स्पष्ट सीमा है। मेरे मन और आपके मन में भी काफी हद तक एक सीमा है। शायद हम यहां वहां थोड़ा बहुत ओवरलैप करें, मगर ऐसी कोई चीज नहीं होती कि मेरा जीवन और आपका जीवन। क्या आपने कभी साबुन के बुलबुले उड़ाए हैं, या आप तब भी गंभीर थे जब आप स्कूल में थे? नहीं। क्या आपने साबुन के बुलबुले उड़ाए हैं? मान लीजिए हम यहां बैठकर साबुन के बुलबुले उड़ाते हैं,
आपने इतना बड़ा बनाया, मैंने उतना बड़ा बनाया। अब मैंने कहा, ये मेरा बुलबुला है, वो छोटा वाला आपका है, ये मेरा बुलबुला है। पुप, वो फूट गया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी हवा है, वो आपकी हवा है। जीवन ऐसा ही है, ये एक जीता जागता ब्रह्मांड है। थोड़ा आपने पकड़ा, थोड़ा मैंने पकड़ा। आप कितना पकड़ते हैं, ये आपके अस्तित्व की अहमियत और गुणवत्ता को तय करेगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे साफ साफ समझें। आपने कितना जीवन पकड़ा है, वही इसे तय करेगा। शायद आपके पास एक बड़ा सा दिमाग हो, शायद आपके पास बहुत बुद्धि हो, आपके पास ढेर सारा ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप एक महत्वपूर्ण जीवन नहीं जिएंगे। अगर आप ढेर सारा जीवन पकड़ते हैं, अगर आप एक बड़ा बुलबुला हैं, सिर्फ तभी वो महत्वपूर्ण है। अगर आपका शरीर बहुत बड़ा है तो शायद दूसरे लोग आपको देखकर कहें वो बहुत बड़ा है, मगर आपके अंदर वो आपका अनुभव नहीं होगा। अगर आपके पास एक बड़ा दिमाग है तो लोग सोचेंगे अरे वो बहुत स्मार्ट है, मगर आपके भीतर आपके पास एक महत्वपूर्ण जीवन नहीं होगा। अगर आप अपने अंदर बड़ी मात्रा में जीवन पकड़ते हैं, सिर्फ तभी। अगर आप सिर्फ यहां बैठें तो भी ये बहुत शानदार है। जब ऐसा होता है, चाहे आप अपनी आंखें खोलें, आंखें बंद रखें, चाहे आप कुछ करें, आप कुछ ना करें, आपको उससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तभी आप दुनिया में यूं रहेंगे कि आपका कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, आपके साथ क्या होता है और क्या नहीं होता, वो आपके जीवन की गुणवत्ता तय नहीं करता। सिर्फ तभी हम वास्तव में आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, है ना? वरना हम नहीं जानते कि आप सर्जरी क्यों कर रहे हैं। ये सवाल उभरे हैं, है ना? मैं आपको एक चुटकुला सुना सकता हूं। एक आदमी सर्जरी के लिए गया, उसे सर्जरी की जरूरत थी, तो वो एक डॉक्टर के पास गया। ये अमेरिका की बात है। तो डॉक्टर ने कहा, इसमें $36,000 का खर्चा आएगा। फिर वो बोला, डॉक्टर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास बीमा नहीं है। फिर डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, आप हर महीने 3,000 दे दीजिएगा। मरीज ने कहा, मगर ये कार के पेमेंट जैसा लगता है, कार खरीदने की किश्त जैसा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हां मैं एक कार खरीद रहा हूं।